Good morning, my dear students. In the last period, we had seen lesson 1 of science, natural resources, air, water, and land. So, we had finished up to here. Up to here, we had completed page number 1. Air, water, and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. तो इसमें हमने देखा था कि air, water और land जो है ये basic ये जो factors हैं ये atmosphere में जो factors होते हैं तो वो जो है life पृथ्वी के ऊपर जो living world है यानी living things हैं तो उनके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एयर वाटर एंड लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान हो या कोई भी लिविंग थिंग हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो या ट्रीज हो कुछ भी हो उनको ज़िंदा रहने के लिए एयर वाटर एंड लैंड ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस और इन्हें क्या बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड जो है ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेस है ये हमने देखा था कि 29% जो है पृथ्वी पर पूरा ज़मीन वाला हिस्सा है एंड 71% इज़ वाटर ओके इट मीन्स दैट The maximum part of the earth is occupied by water. Now, let's start page number 2. Turn on page number 2. What are the 5 layers of the atmosphere? Now, in this video, we are going to see air. ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसके बारे में ओके द एयर इन द एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 6 इनर्ट गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स तो ये जो एयर होती है एयर में वेट गाइस इस तरह से हम करेंगे हवा जो होती है एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है पृथ्वी के आसपास उसमें क्या क्या होता है हवा में बहुत सारे गैसेस होते हैं यानी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो उसमें कौन कौन से गैसेस होते हैं मिक्सचर क्यों बोला गया है क्योंकि बहुत सारे गैस है उसके अंदर इसलिए उसको मिक्सचर बोला गया है सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 6 इनर्ट गैसेस छोटे छोटे और भी कोई जो मतलब कम क्वांटिटी वाले गैसेस भी हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर क्या होता है पानी में से जो बाफ निकलती है ना वो ऊपर जाके हवा में मिक्स हो जाती है दैट इज़ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स धूल मिट्टी जो होती है वो भी होती है हवा में ओके So these are the components of air. The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air. While this proportion is about 19% in the stratosphere. अब ये जो है पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर ये जो अलग अलग हिस्से हैं तो उसमें से 80% जो है टोटल गैसेस में से 80% जो गैसेस है वो कहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर में है और 19% गैसेस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है फर्दर इन द मेसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फेयर एंड बियॉन्ड फिर बाद में जो मेसोस्फेयर आता है फिर आयनोस्फेयर आता है उसमें जो गैसेस का प्रमाण है
ये धीरे धीरे कम होता जाता है और बाद में एग्जोस्फेयर में और उसके आगे गैसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यहाँ पे मैंने पृथ्वी के बोला, एक्चुअली पृथ्वी नहीं, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। तो एटमॉस्फेयर में जो टोटल मास होता है गैसेस का हवा में, तो सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर में है, यानी 80% है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें, ये एटमॉस्फेयर के ही हिस्से है, मैंने पृथ्वी का बोला है, गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। गैसेस जो होते हैं एयर में, उसका प्रमाण बताया गया है कि 80% गैसेस जो है ट्रोपोस्फेयर में। ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, ये सारे जो है वो एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को ये नाम दिए गए हैं। ओके, यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। एयर जो है, अभी अभी मैंने बताया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सेवरल यानी बहुत सारे गैसेस उसमें मिक्स है। ओके, एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर जो एटमोस्फेयर होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है गैसेस। बिसाइड्स दीज गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हवा में सिर्फ गैसेस ही नहीं रहते हैं, हवा में गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स, मैंने अभी अभी बताया वाटर वेपर्स क्या होता है, पानी की जो बाफ होती है वो हवा में मिक्स हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पानी उबलता है तो बाफ निकलती है ना उसमें से, वो बाफ ऊपर चली जाती है, ऊपर यानी हवा में मिक्स हो जाती है। एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल मिट्टी होती है वो पार्टिकल्स भी उसमें, पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी हवा में मिक्स होते हैं। यानी एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेज एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। जो हवा होती है या जो गैसेस होते हैं हवा में, वो पृथ्वी के पास, नियर द सरफेस, सरफेस यानी पृथ्वी के पास वाला जो जो हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीजेज एज वी गो हायर, जैसे जैसे वो हम ऊपर जाएंगे ये जो हवा है कम होती जाएंगी, इस हवा से गैसेस जो है वो कम होते जाएंगे। दैट इज एयर बिकम्स रेयरर एट हायर एल्टीट्यूड्स। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से दूर जाएंगे, वैसे वैसे गैसेस जो है हवा में से कम होते जाएंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेज आर गिवन हियर। प्रोपोर्शन यानी कितनी क्वांटिटी में है वो, हवा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी हवा में जो मिक्सचर है, एयर डस्ट पार्टिकल्स और सॉरी गैस डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स, इसका जो मिक्सचर है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा है, मतलब गैसेस जो होते हैं गैसेस में से कौन से ज़्यादा गैसेस है, कौन से कम है, ये सब यहाँ पे हमें दिया गया है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि कौन सा गैस जो है, कौन से गैसेस कितनी क्वांटिटी में है, कौन से प्रोपोर्शन में है। ओके, प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर, एयर में हर गैस का प्रोपोर्शन कितना होता है। सो यू कैन सी हियर द मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन गैस, 78% नाइट्रोजन होता है इसमें हवा में। उसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है, देन एर्गॉन 0.9%, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, देन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 0.07%, ये जो पर्पल दिख रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, येल्लो में दिखाया गया है। ओके, आई होप यू गॉट इट। टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। अब देखिए ये जो गैसेस होते हैं इसका उपयोग क्या है,
हवा में क्यों होते हैं गैसेस, किस चीज के लिए होते हैं, क्या करते हैं वो, उनका काम क्या है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। क्या करते हैं ये, लिविंग थिंग्स को प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं, है ना। हमारे शरीर में हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ना, तो वो जो प्रोटीन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। इस अमोनिया जो गैस होता है, अमोनिया बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। और एयरटाइट पैकेजिंग यानी हम जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, है ना, या फिर आप देखते होंगे उसमें हवा होती है, ये जो पैकेट्स आते हैं उसके अंदर हवा होती है ना, तो एयरटाइट पैकेज करने के लिए, उनको पैक करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबस्शन। अब देखिए, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है लास्ट ईयर कि फूड बनाने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सिलेंडर आपने देखा होगा, है ना, तो उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। एर्गॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने फूटते हुए देखा है कभी, फूटता है तो एकदम से बहुत आवाज़ आती है ना, जब वो ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर भी एर्गॉन गैस का उपयोग होता है। हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। लो टेम्परेचर के लिए हेलियम की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लो टेम्परेचर करना है वहाँ पे हेलियम गैस यूज़ होता है, एंड फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। एयरशिप जो होते हैं ना, पता है ना, तो उसमें जो लिफ्ट होती है वो लिफ्ट को चलाने के लिए भी हीलियम का उपयोग होता है। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइट्स देखे हैं आपने, वो जो बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, और डेकोरेटिव लाइट्स भी होते हैं आजकल घरों में भी दिखते हैं, तो वो जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं उसमें नियॉन गैस का उपयोग होता है। क्रिप्टॉन यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं उसमें क्रिप्टॉन यूज होता है। ज़ेनॉन यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी पहले के ज़माने के जो कैमरेज होते हैं ना उसमें फ्लैश होता था, तो वो फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो होता है ज़ेनॉन गैस। ऑलवेज रिमेम्बर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। लिविंग वर्ल्ड जो है वो तब तक रह सकता है जब तक पूरा बैलेंस हो, किस चीज़ का, गैसेस का और एयर का। द एटमोसफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, एटमोसफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। हमारी तरफ जो सनरेज आते हैं उन सनरेज को और हीट को, सन से निकलने वाली जो हीट है और उसकी लाइट है, ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगी तो हम तो जल ही जाएंगे, और उसकी जो लाइट है वो भी हमारी आँखों को सहन नहीं होंगी। तो इतनी ज़्यादा हीट और लाइट को फिल्टर करने का काम, यानी उसको छान कर और हमारे तक पहुँचने से, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा लाइट को पहुँचने से रोकने का काम एटमॉस्फेयर करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। हमें ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर इतनी ज़्यादा हीट हम तक पहुँचेगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे,
ऐसे भी गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि हीट बढ़ जाती है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते हैं। कई लोग हीट के कारण और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मर भी जाते हैं। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज़ इन द एटमोसफेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। तो हार्मफुल एलिमेंट्स जो है वो हम तक पहुँचने से ये रोकता है एटमोसफेयर। एंड इट इज़ इन द एटमोसफेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। आपने देखा कि एटमोसफेयर के अंदर अंदर ही क्लाउड्स बनते हैं, एटमोसफेयर के अंदर ही फॉग बनता है। फॉग आपने देखा है कभी? ऐसे लगता है ना, वाइट वाइट कलर का थोड़ा सा लगता है वो, और सामने का हमें कुछ दिखता नहीं है। ठंड बहुत रहती है उन दिनों में और सामने का हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ 4-5 फीट का ही हम देख सकते हैं, उसके आगे का हम देख नहीं सकते उसमें। तो वो फॉग होता है। क्लाउड्स तो पता ही है, स्नो यानी स्नोफॉल होता है, देखा होगा आपने कहीं। रेन, ये सब चीज़ें कहाँ पे बनती हैं? एटमॉस्फेयर में ही बनती हैं। सो गर्ल्स, द वीडियो एंड्स हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।